3 दिन सिर्फ 2 चम्मच दही में मिलाकर खा लो, पूरी जिंदगी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, जोड़ों का दर्द और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको जीवन में कभी नहीं होगी, ना ही आपको कभी बुढ़ापा आएगा। और ये नुस्खा आपके शरीर में ताकत भर देगा, आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी का इलाज कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जो आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज करेगा और आपके शरीर में एक नई ताकत का संचार करेगा। दोस्तों इस नुस्खे को बनाना भी बिल्कुल आसान है, आप इस नुस्खे को अपने घर पर ही बना सकते हैं और इसका हर रोज प्रयोग कर सकते हैं और इससे होने वाले फायदों को उठा सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को लेने से आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, आपके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी। दोस्तों आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल जैसे दिखाई देंगे। दोस्तों आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी का इलाज हो जाएगा। दोस्तों चाहे वो कमजोरी आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो, क्योंकि ये नुस्खा ताकत का खजाना है। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप अपनी शुगर की बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए वरदान है, क्योंकि शुगर रोगियों के लिए ये एक चमत्कारी दवा है। दोस्तों ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको इस शुगर की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से भी बचा कर रखेगा। दोस्तों यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप इस बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए वरदान है, क्योंकि ये आपके शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों क्या आपको हार्ट ब्लॉकेज है या फिर हार्ट अटैक के आने का डर है, तब भी दोस्तों आपको लगातार 21 दिन तक इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए और फिर आपको चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे। दोस्तों आपकी हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगी और आपको कभी ये हार्ट अटैक नहीं आएगा। दोस्तों क्या आपको पेट के रोग है, यानी आपको पेट में गैस, कब्ज और ये एसिडिटी की समस्या है, या आपको सीने में जलन रहती है, दोस्तों इन सब का भी ये रामबाण इलाज है। और दोस्तों ये हमारे पेट के रोग हैं, कब्ज, गैस और एसिडिटी, जो हमारे शरीर के 72 बीमारियों का कारण बनती हैं। तो दोस्तों ये नुस्खा आपके शरीर की इन 72 बीमारियों का इलाज कर देगा, आपको इन पेट के रोगों से बचा देगा, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करेगा, जिससे कि आपको ना तो कब्ज होगी, ना गैस होगी और ना ही ये एसिडिटी की समस्या आएगी। दोस्तों क्या आपको मोटापा है और आपके पेट पर चर्बी है, या कमर पर चर्बी है, या जांघों पर चर्बी है, तो दोस्तों यदि आप स्लिम और फिट बनना चाहते हैं और अपने इस मोटापे को कम करना चाहते हैं, तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। सिर्फ हर रोज 2 चम्मच दही में मिलाकर आपको खाने चाहिए और ये 15 दिन तक आपको करना है, यानी 15 दिन में आपको इसका चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा यदि आप मोटापे के लिए इसको प्रयोग करना चाहते हैं। दोस्तों क्या आपको जोड़ों में दर्द रहता है या आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं, आप अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं और इस जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तब भी आप सिर्फ 2 चम्मच दही में मिलाकर खाइए और आपके शरीर की हड्डियां वज्र के समान मजबूत बन जाएंगी और आपको कभी ये जोड़ों का दर्द नहीं होगा। दोस्तों इस नुस्खे को लेने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून पावर भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की इम्यून पावर हाई होगी, तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। इतना चमत्कारी है इस नुस्खे का सेवन। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये है क्या जो इतनी अधिक चमत्कारी है। दोस्तों इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों अलसी, अलसी के बीज, जिनको फ्लैक्सीड भी बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों अलसी बहुत अधिक चमत्कारी है। दोस्तों अलसी ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों अलसी के बारे में एक बात कही जाती है कि यदि आपको हार्ट ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा है या डायबिटीज की बीमारी है, तब आपको अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए, या फिर आप वेजिटेरियन है तब भी आपको अलसी का सेवन तो जरूर करना ही करना चाहिए। वैसे तो इसको कोई भी खा सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन भी, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को ये खास रूप से खानी चाहिए, क्योंकि ये अलसी उनके शरीर की हर तरह की कमजोरी का इलाज करती है, उनके मोटापे को कम करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करती है और इनके शरीर को ताकतवर और फौलादी बनाने का काम करती है। ऐसी है ये अलसी। अब जानते हैं इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, अलसी लेनी है और उसको ग्राइंडर में डालकर
पर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, जैसे कि ये हमने ग्राइंड की हुई है। अब आपने दही लेनी है एक कटोरी, जैसे कि ये हमने ले ली। अब आपने इसमें अलसी के 2 चम्मच मिलाने हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आपने इसका सेवन करना। लेकिन यदि आप अपने शरीर को ताकतवर और फौलादी बनाना चाहते हैं तब आपने इसमें शहद का भी प्रयोग कर लेना है, 1 चम्मच शहद मिला लेना है, जैसे कि हमने मिला लिया। एक तो इससे आपको टेस्ट अच्छा आएगा, ऊपर से आपके शरीर की कमजोरी का इलाज करेगा, आपके शरीर में ताकत बढ़ेगा, आपके शरीर को फौलादी बना देगा। और यदि आपको डायबिटीज है और तब आप इसका सेवन करते हैं तब आपने इसमें शहद का प्रयोग नहीं करना है, बाकी आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप अलसी को इस तरीके से दही में सिर्फ 2 चम्मच मिलाकर खाएंगे तो आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा, आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा, आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी और आपको पूरी जिंदगी ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, जोड़ों का दर्द और ये दिल की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको कभी बुढ़ापा आएगा और ना ही आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी होगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही इसका प्रयोग शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।